राजधानी लखनऊ में पीसीएस ऑफिसर की बेटी के साथ हुई घिनौनी हरकत से हर तरफ कोहराम मच गया है और अब इस पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी प्रतिक्रिया दी है। क्या है पूरी खबर, रिपोर्ट में देखिए। नमस्कार, सलाम, मैं हूं आपके साथ सामिया खान और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। दरअसल 5 दिसंबर को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में चलती एसयूवी कार के अंदर एक सेवारत पीसीएस अधिकारी की 23 वर्षीय बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना सामने आई थी। जानकारी के मुताबिक किंग जॉर्ज मेडिकल अस्पताल में पीड़ित इलाज करवाने जाती थी। इसी दौरान बाहर चाय का स्टॉल लगाने वाले शख्स सत्यम से उसकी जान पहचान हो गई। 5 दिसंबर को जब वो KJMU पहुंची तब इस बीच मोबाइल चार्जिंग के बहाने सत्यम और उसके साथियों ने युवती से गाड़ी में गैंगरेप की वारदात को अंजाम दे डाला। बता दें कि सत्यम के साथ उसके साथियों असलम और सुहेल पर गैंगरेप का आरोप लगा है और पुलिस ने तीनों को पकड़ भी लिया है। जांच में पता चला है कि रेप की घटना को अंजाम देने के बाद तीनों आरोपियों ने युवती को पॉलिटेक्निक चौराहे पर छोड़ दिया था, जहां से युवती घर पहुंची और उन्होंने अपनी आपबीती बताई। अब इस पूरी घटना के बाद अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश यादव ने लिखा कि ये उत्तर प्रदेश में अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के जीरो हो जाने का परिणाम है, निंदनीय। इसके साथ उन्होंने कुछ पेपर की क्लिप भी शेयर की है। बता दें कि आरोपियों की पहचान सत्यम मिश्रा 22 साल, सुहेल 23 साल और असलम 31 साल के रूप में हुई है। बहरहाल आपकी इस पे क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़ उत्तर प्रदेश। वीके न्यूज़ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा, देश सुनेगा।